ये देखें जी, ये मैंने प्याज भी काट लिया है माशाल्लाह से, और इसको मैंने वॉश भी कर लिया, ठीक है। अब ये सारा इसके अंदर जाएगा, ठीक है, इसके अंदर चला गया सब कुछ। और ये है जी टमाटर, ये मैंने इस तरह से ना बड़े बड़े पीस किए हैं, ये देखें ये पीस हैं, ठीक है, इस तरह से। ये मिर्ची हैं, और ये भी सब जा रहा है इसके अंदर, ओके हो गया। ये मैंने अदरक जो है ये कूट लिया है इसके अंदर, ये देखें इसके अंदर अदरक मैंने कूट के रखा हुआ है, लेकिन ये अभी नहीं जाएगा, जब जाएगा फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये किस टाइम पे इसके अंदर जाएगा, ठीक है। ये देखें अब इसमें डालते हैं मसाले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मसालों की बारी है, ये एक टमाटर का पीस बच गया था वो भी इसमें डाल देते हैं, और अब है जी मसालों की बारी। मसाले में सबसे पहले जाएगी जी सुरख मिर्च, और हमारी गर्मी मिर्च ज़रा ज़्यादा ही खाई जाती है, आप अपने हिसाब से डालिएगा, ऐसा ना हो बाद में आपके जी मिर्चें बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, हमारे घर में ना ज़रा काफ़ी ज़्यादा मिर्चें खाई जाती हैं, मतलब मैंने 2 स्पून जो है वो मिर्चें डाल ली हैं। तो उसके बाद मैं हल्दी डालूँगी इसमें माशाल्लाह, ठीक है। ये देखें अब इसमें जा रही है हल्दी, ठीक है, ये, और अब इसमें जाएगा नमक, ठीक है। मैं आपको असल में ये बताना चाह रही हूँ, जो कच्चा पानी इनमें डालते हैं वो ना डालें, तो किस तरह से मज़ेदार सारे चने जो है ना वो रेडी हो सकते हैं। अब ये देखिए, ये नमक, ये देखिए नमक जाएगा इसमें, ठीक है, ये माशाल्लाह से इसमें नमक भी चला गया, ठीक है। जाने के बाद हम अपनी नमक मिर्च को करके बंद करके उसकी जगह पे रखेंगे, और प्रेशर बंद करके ऊपर रख देंगे। ये देखें जी, ये मैं चूल्हा करने लगी हूँ ऑन, ये प्रेशर, इसकी प्रेशर ऊपर चला गया, ठीक है। ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखनी चाहिए आँच जल रही है और प्रेशर यहाँ पे चला गया। यहाँ से मैं नमक मिर्च वगैरह समेट लेती हूँ और आपको मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो आपको ये भी बताना है कि ये लहसुन कब डालना है इसके अंदर, ठीक है। ये लहसुन का भी इंशाल्लाह आपको बताऊंगी कि ये कब डालेंगे, आपके चने इतने जायके वाले बनेंगे, जो भी खाएगा आपकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकेगा इंशाल्लाह। और अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई रेसिपी आपने पूछनी हो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह आपको अच्छे अच्छे खाने बनाने को मिलेंगे, ठीक है। ये देखें जी, मैंने ये ना खोल लिया प्रेशर, ठीक है, और प्रेशर खोलने के बाद अभी इसमें पानी होगा, वो पानी के मैंने स्ट्रेनर रख लिया है, ये देखें ये मैंने स्ट्रेनर रख लिया है, ये स्ट्रेनर है और इसके नीचे बाउल है, और ये स्ट्रेनर इसमें स्ट्रेन करूँगी पानी, पानी नीचे चला जाएगा और मैं इसको भून लूँगी, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से मैं इसका पानी जो है ना वो स्ट्रेन करती हूँ, ये देखें अब, ये देखें इस तरह से ये पानी है और चने, इसके अंदर सारे मसाले मैंने आपके सामने डाले थे, ये बॉयल हो चुका है। अब ये देखें, इसको मैं उठा के इस स्ट्रेनर में डाल रही हूँ पानी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आराम आराम से आपने भी डाल लेना है, ठीक है ना, ये देखें जितना मतलब मैंने शोरबा बनाना था उस हिसाब से मैंने ये पानी, आपने सारा स्ट्रेन कर लेना है पानी, थोड़ा भी चनों में नहीं रहना चाहिए, ये देखें, ठीक है, ये देखें ये स्टेन हो गया, ये नज़र आ गया आपको, ये भी भाप इतनी ज़्यादा है नज़र आना मुश्किल था थोड़ा, ये देखें। इसको स्टेन करने का मकसद ये था कि ये जो सारे मसाले इसके अंदर डाले हैं वो पानी के अंदर बिल्कुल भी ना जाएं, जब इसकी भुनाई होगी ये सारे मसाले इसमें भून के अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। ये देखिए अब मैंने आपको बताना है कि अदरक आपने किस टाइम पे डालना है, ये देख लें इस तरह से पानी मैंने इनके बिल्कुल स्टेन कर लिए। अब इसमें मैं घी डालने लगी हूँ, ठीक है, तो वो तो आपने अपने हिसाब से डालना है कि आपके घर वाले ज़्यादा ऑयल पसंद करते हैं या कम, हमारे घर में ऑयल तो नहीं यूज़ होता, ज़्यादा घी यूज़ होता है, और ये मैंने घी डाल दिया, ठीक है। ये देख लें अब इनकी होगी भुनाई, बुनाई के बाद मिलती हूँ आपको, ठीक है। ये देखें जब बुनाई होती है तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखें जी बुनाई के टाइम पे आके ना, तो ये मैंने इसमें ऐड कर दी अदरक, ठीक है। आप भी इस तरह बनाएंगे आपके चने माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे बनेंगे, ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा मसाला कितना ज़्यादा हो गया और कितना ज़बरदस्त सा बन गया, और जो मैंने पानी इनका निकाला हुआ है ना ऊपर से,
वही पानी मैं इनमें डालूंगी और इसमें ज़बरदस्त सारा सालन बनेगा माशाल्लाह से। और फिर आप जब पेश करेंगे किसी को तो आपको पता चलेगा। तो ये वीडियो जी सबके जा रही थी, नहीं ऐसे आगे शेयर करते जाएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ये आपका प्यार होता है जो हमें मिलता है और हम आपको अच्छी अच्छी और रेसिपी बताना सिखाते हैं। और अगर आपको कोई और चीज़ सीखनी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो हम याद रखिएगा इंशाल्लाह मैं आपको फाइनल लुक रेसिपी दिखाती हूँ, ठीक है। हम बुने हुए चने पता है आपको सबको बहुत पसंद है और ये भाई कह रहे हैं ये मुझे भी दें तो उसको ये देने लगी। देखें आप इनकी लुक ज़बरदस्त है, स्मूथली और बहुत ज़बरदस्त बनेंगे, ठीक है। फाइनल लुक मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और ये स्टीम किया हुआ पानी मैं इसमें डालूँगी, देखिए ठीक है, यही पानी इसमें जाएगा माशाल्लाह से, बहुत अच्छे बनेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ, आपसे मिलती हूँ, ये मैं भाई को देने लगी। जब इस तरह से आपके चने भी घी छोड़ देंगे, देखिए तो आपकी वजह से ना शायद नज़र ना सही तरह से आ सके, लेकिन ये देखें आ ही रहा होगा आपको नज़र। जब इस तरह से घी छोड़ जाएंगे ना चने, बिल्कुल इस तरह से सही अच्छी तरह फ्राई हो जाएंगे, भुन जाएंगे। तो अब इनमें डालने की बारी आती है पानी। अब ये जी मैंने फाइनली जो पानी रखा हुआ था आपको बताया था, अब इसमें चला गया ये पानी, ठीक है। ये देखें अब ये साइडों से भी उतार लूँगी सारा, ये देखिए साइडों पर जो लग गया। और ये देखें कितने ज़बरदस्त होंगे चले। ये देखें जी ये देखें जी ये हमारे जो चने हैं जी उनकी फाइनल लुक है। ये उन्होंने घी छोड़ दिया है और ये शोरबा आप देख रहे हैं बिल्कुल ठीक है, पतला सा शोरबा नहीं है, पका हुआ बहुत ज़बरदस्त है। ये देखें चने हमारे मसाला से अच्छी तरह गल चुके हैं। अब इनमें डालूंगी मैं सब्ज़ धनिया, ठीक है। ये देखें धनिया इसमें डाल दिए मैंने, डिश आउट करके भी आपको दिखाऊंगी। और अभी मैंने चूल्हा जो है वो बंद नहीं किया, आंच थोड़ी हल्की कर दूंगी और ये धनिया जो है ना ये इसमें पकेगा थोड़ी देर अभी। ये देखिए ठीक है, धनिया थोड़ी देर पक जाए तो फिर इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालूंगी। ये गरम मसाला मैंने इसमें पीस लिया थोड़ा सा, और सिर्फ ज़्यादा नहीं जाएगा, ये देखिए थोड़ा सा बिल्कुल ये गरम मसाला मैंने डाल दिया, ठीक है। और फाइनल यही होना था और ये गरम मसाला चला गया है। और ये देखिए कितने ज़बरदस्त सारे चने बने हैं माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त इस तरह से आपके चने बनेंगे। आपको भी मेहमान को भी खिलाना चाहिए ना, तो ये खिला सकते हैं, इतने ज़बरदस्त सारे चने बनते हैं, ठीक है। क्योंकि इसका इनका पानी खुद से पहले ही पका हुआ होता है, ठीक है। इंशाल्लाह मैं आपको फाइनल लुक इनकी दिखाती हूँ। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, सबके जरिए समझ के शेयर कीजिएगा। जो जो ये पकाना सीखेंगे तो ये मेरे लिए सबका जरिया होगा। तो इंशाल्लाह आपको रेसिपी भी पसंद आएगी, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें, ठीक है। थैंक यू। और मैं आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक, ये देख लें जी। ये अब इसके नीचे मैं आंच कर देने लगी हूँ बंद, ठीक है। ये देखिए ये बंद हो गया और अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये है जी इनकी फाइनल लुक। और ये ब्राउन चावल साथ बने हुए हैं और ये मैं अबू जी को खाना देने लगी थी और ये इसकी फाइनल लुक है, ठीक है। और आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं और आपसे इजाज़त चाहूँगी और आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।